किसी काम को करने का जुनून आप में तभी आएगा जब आप वो काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल कहे, जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वह काम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो आप एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसलिए आप वो काम कीजिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है, और उसे बिना किए आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप में किसी को देखकर काम करने का जुनून आता है, तो ये जुनून लंबे समय तक नहीं चलते, क्योंकि अगर सामने वाला निराश हुआ तो समझो आप भी निराश होने से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आप किसी और को देखकर नहीं, खुद को अंदर से समझकर आगे बढ़े। जीत आपको जरूर मिलेगी। अगर आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरना ही होगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के सफलता की कोई परिभाषा ही नहीं है। यदि आप संयम रखेंगे तो इससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं संयम का फल मीठा होता है और इसे बढ़ने और पकने में एक लंबा समय लगता है। आपके चाहने से ये जल्दी तैयार नहीं होता। जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं तो आपको उस रास्ते चलकर बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बनकर सामने आता है और आपको जीत दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप इस धरती पर जन्म ले लिए हैं तो फिर जोखिम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? आगे बढ़ने को ठान लीजिए। सारी तकलीफें और दर्द आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कुछ करने को ठान लेता है वो आज नहीं तो कल अपना नाम बना लेता है। यदि आप खुद की कमियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप जितनी तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तेजी से आप नीचे भी गिरेंगे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने से पहले अपनी कमियों पर विजय हासिल कीजिए, क्योंकि कमियों को हराना भी एक सफलता है। यदि आप जीवन के अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग में अच्छे विचारों का दीप जलाना होगा, क्योंकि यही वह एक तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कभी निराश ना हो, तो आप अपनी कमजोरी किसी को ना बताइए, क्योंकि लोग उस कमजोर दीवार की ईंटें ले जाकर अपने घर बनाएंगे, मतलब कि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपनी कमजोरी को भूलकर साहस के साथ आगे बढ़िए, मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप अपने दिल और दिमाग को मैला करना चाहते हैं, तो आप अपने दिल और दिमाग की बुरी यादें और बुरे विचारों से भर लीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बुरी यादें और बुरे विचारों को दिल और दिमाग में बिठाना आसान है, लेकिन इन्हें दोबारा बाहर फेंकना आसान नहीं होता। इसलिए आप सोच समझ कर निर्णय लीजिए, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। यदि आप सोचते हैं कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं पर अपने मन में हार जाने का डर बिठा रखे हैं, और ये डर आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए तो मेहनत आप कर रहे हैं, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते रहिए। आप अपने आप पर विश्वास रखिए और हार के बारे में ना सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचिए। जिंदगी में आने वाली समस्याओं को हार कर पीछे हटना आपके लिए बहुत आसान है, पर शायद आप ये नहीं जानते कि आप जिन समस्याओं से हार कर पीछे हट रहे हैं, वो समस्याएं नहीं ऊपर वाले का परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने देखकर सो जाते हैं, कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जो सोकर सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जो जागते हुए सपना देखा और अपने सपने को सच करने में पूरी रात लगा दी, किस्मत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। खुद पर भरोसा रख, जो आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम किया, वही देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम किया। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं, तो आप भी आज से दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रखना है, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है। जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है, और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। किस्मत का दूसरा नाम लगन है। अगर आप अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप में मेहनत करने का लगन नहीं है, तो आपको कदम कदम पर रुकावट नजर आएगी। अगर आपको कोई छोड़ दिया है,
तो आप इस गम में अपना दिन और रात मत गुजारिए। गम को भूलकर आगे बढ़िए और खुद को इतना बड़ा बनाइए कि आपको छोड़ने वाला आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। अगर आप बिना कोई प्रयास किए ये सोचते हैं कि आपका वक्त आज नहीं तो कल बदल जाएगा, तो आप ये लिख लीजिए कि आप मरने के ईश्वर ने आपको अंदर से लेकर बाहर तक कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर आप खुद का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं और वो हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जब आप जिम्मेदारियों के बोझ को अपना कर्तव्य समझकर खुशी खुशी उठाते हैं और जिम्मेदारियां आपको कुशल और ताकतवर बनाती है, और अगर इन्हें आप मजबूरी में नाखुश होकर उठाते हैं तो आप इन जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मन जितना तेज दौड़ेगा आपके सफल होने की गति उतनी ही धीमी हो जाएगी, इसलिए आप अपने मन को नियंत्रित कीजिए और अपने दिमाग को दौड़ाइए। यदि आप जिंदगी में अकेले रह गए हैं तो इस बात का अफसोस मत कीजिए कि आप अकेले हैं, बल्कि इस बात पर खुशी मनाइए कि अब आपका बुरा वक्त आपके काम को मिलेगा बल्कि इस बात का खुशी मनाइए कि अब आपका पूरा वक्त आपके काम को मिलेगा। और याद रखिएगा कि काम से बड़ा कोई अपना नहीं है, काम से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। हार को हार की तरह मत देखिए, इसे एक और सीखने के मौके की तरह देखिए, क्योंकि हर हार में सीखने की अपार संभावना होती है। और जब आपको कई बार हार के बाद सफलता मिलती है तो पहली बार में ही मिलने वाली सफलता से कई गुना ज्यादा शानदार होती है। अगर आप सोचते हैं आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप रात दिन सफल होने के लिए जूझ रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या आपको रोक नहीं पाएगी। अगर कोई आपको रोकेगा तो वो आप खुद होंगे, कोई और नहीं। कब तक आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? कभी ना कभी आपको पूरे जोश के साथ उठना होगा, पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करके अपनी किस्मत को बदलना होगा। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान किस तरफ है, क्योंकि जिस तरफ आपका पूरा ध्यान होगा वही आपके जीवन में घटित होगा और वही आप हासिल भी करेंगे। मधुबन गाँव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र मात्र 12 साल की थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गाँव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिता गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व हो। सुमन के लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई सुमन करना क्या चाहती है। वह किसी को इस बारे में नहीं बताई थी कि वह एक अच्छा चित्रकार है, उसे बचपन से चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल भी नहीं गई। उसके पिताजी को चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था, उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतनी खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास आकर खड़े हो गए, उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। सुमन के पिताजी ने कहा, सुमन तुम नहीं मानोगी, ये बेवकूफी वाला काम तुम्हारे किसी काम का नहीं आने वाला है। सुमन दुखी मन से बोली, पापा आप हमेशा मुझे नीचा क्यों गिराना चाहते हैं, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं। उसके पिताजी ने कहा, अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी चाहे जो हो जाए, मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। सुमन के पापा ने कहा, तुम ये नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख दूं। सुमन ने कहा, पापा इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि भगवान के दिए हुए हुनर को जलाकर राख कर दे। आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। दुनिया में जो भी बड़े काम किए हैं पागलों ने ही किए और करते रहेंगे, मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ, मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, सुमन के पिताजी ने कहा और तनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। सुमन गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वो भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन सुमन के मन में ये विचार आया कि वह गाँव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और गाँव के 10 गाँव में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वो इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई
शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुमन ने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं गांव में बनाए गए चित्रों का प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ। सुमन ने कहा, इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा। वो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। सुमन के बहुत समझाने पर उसके पिताजी मान गए और सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांवों में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार करने के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी कि उनकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांव से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वाले में काफी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जिला अधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन को यह कहकर सवासी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती थी। पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैं तुम्हारा दोषी हूँ। सुमन के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सुमन ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती थी। पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैं तुम्हारा दोषी हूँ। सुमन के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सुमन ने कहा, पापा अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ वहाँ नहीं होती। सुमन ने कहा, पापा आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी और वह अपनी कला को और ज्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया हुआ किसी के साथ ना करे। एक हादसे ने सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए, उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था, शायद इसलिए वो उसके सामने बहुत ही कम आते थे। सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी, उसकी कहानी इतनी आसान तरीके से खत्म नहीं होने वाली थी। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है ना गांव वालों से, अब उसकी लड़ाई किस्मत से है। अब जो चाहे हो जाए वह किस्मत को हरा कर मानेगी, दुनिया में नाम कमा कर मानेगी। सुमन एक बार फिर से शुरुआत करती है, इस बार हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। सुमन के पिताजी ने कहा, बिटिया ये क्या कर रही हो, अब तो मान जाओ। सुमन बोली, पापा मैं कभी हार नहीं मान सकती। उसके पिताजी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा कर लोगे? सुमन ने कहा, पापा अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। मेरे से ज्यादा लोग हादसा झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। सुमन के पिताजी ने कहा, बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह कई सालों के मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की जिंदगी वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक करके झुरने लगे और वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले सुमन के तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद से उसके लिए दुआ करने लग गए। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वह सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी। एक दिन सुमन ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊ। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी की आंखें खोल दी, उनकी बिटिया भी कुछ कर सकती। बहरहाल एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं अब कुछ कर पाऊंगी, पर मुझमें कहीं ना कहीं वह चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका दिया। मैंने नए सिरे से शुरुआत की और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसे में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं और एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वो हौसले होते हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।